आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गजब का मास्क बनाना बताऊंगा, उससे अपना जो पूरा फेस रहेगा पूरा फेस कवर होगा, और उस मास्क को हम सर्दी और जो गर्मी पड़ती है गर्मी के अंदर भी हम आसानी से काम में ले सकते हैं। दोस्तों सर्दी में तो दोस्तों हम सर्दी से बचेंगे, और जो गर्मी रहेगी गर्मी में हम इस मास्क से धूप में बचेंगे। तो इस मास्क के अंदर केवल यहाँ से जो आँख वाला हिस्सा रहेगा वो ओपन रहेगा, और उसके अलावा यहाँ पर नाक और मुँह और जो कान रहेंगे पूरी तरह से इस मास्क से कवर रहेंगे। और इस मास्क को बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को तरीके से देखेंगे और तसल्ली से देखेंगे तो आप ये मास्क बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इस मास्क को किस तरीके से बनाते हैं। ये मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कपड़ा लिया है, और यहाँ पे ये जो कपड़ा है ये कॉटन का है। वैसे अगर आप ये सर्दी वाला मास्क बनाने के लिए जो वूलन वाले कपड़े होते हैं वो वूलन वाले कपड़े भी ले सकते हैं, और अगर इससे जाड़ा कपड़ा लेना है तो आप जाड़ा कपड़ा भी ले सकते हैं। और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसका नाप बता देता हूँ। मैंने अपने ये सिर का नाप लिया हुआ है, वो मैंने जब गोल सिर नापा है वहाँ से वो नाप आया है यहाँ पे 23 इंच। अब 23 में हमें यहाँ पे 2 इंच प्लस करना है। 1 इंच तो हम जो यहाँ पे बढ़ता हुआ रखेंगे ताकि हम इन फ्यूचर अगर वो कपड़ा श्रिंक भी होए तो वो वहाँ से छोटा नहीं पड़े। और उसके अलावा दोस्तों 1/2 इंच यहाँ पे जो साइड में स्टिच लगेगी उसके अंदर भी दबेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। और ये जो मैंने 23 इंच जो नाप लिया था उसमें 2 इंच प्लस करने पर ये यहाँ से हमें ये रखना है 25 इंच, तो ये इधर से हमें 25 इंच नापना है। और एक फोल्डिंग हम इसकी एक बार और ऊपर की साइड में कर देंगे। अब दोस्तों मैंने आपको इधर से ये इसकी लंबाई बताई थी 25 इंच, तो अब ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस जगह से हम इंची टेप रखेंगे तो ये 12.5 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। तो 12.5 का डबल होगा 25 इंच, तो ये इंची टेप को हम यहाँ पे रख रहे हैं 12.5 इंच पे, और ये इस जगह निशान लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ये पूरी सीधी कटिंग होगी, तो ये इधर से 12.5 पे लगाया है और ये इधर से भी हम 12.5 पे रख लेते हैं ताकि ये इसकी सीधी कटिंग हो। ये यहाँ पे 12.5 इंच आ रहा है, तो इधर से ये बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो इधर दोस्तों मैंने यहाँ पे निशान निशान पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में ये जो कपड़ा है इसकी हम ऊपर सिर की तरफ जो पट्टी लगेगी जहाँ पे मैंने 23 इंच नाप लिया था उसी जगह ये यहाँ पे पट्टी कट करनी है। तो इधर से हम यहाँ पे लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई में ये पट्टी कट कर लेते हैं। तो इधर से दोस्तों इसमें से मैंने ये जो कपड़ा था इसमें से ये लगभग मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में ये पट्टी कट कर ली है। अब यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ कट करी है, ये दोनों पट्टियों में हम यहाँ पे जोड़ लगा के और ऊपर की साइड में ये जो ओरेब वाला हिस्सा रहेगा ये इधर से इस ओरेब हिस्से में हम यहाँ पे ये पट्टी लगाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जो आँख वाला हिस्सा रहेगा वो दोनों साइड में हम आँख वाला हिस्सा कट कर लेंगे। तो इधर से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार वापस से। ऊपर की साइड से मैं आपको नाप बता देता हूँ, ऊपर की साइड से हमें ये 2.5 इंच नीचे की साइड में उतारना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को ऊपर की साइड से रखेंगे और ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से हम ये जो 2.5 इंच पे निशान लगाया मैंने यहाँ से हम ये लगाएंगे एक और 2.5 इंच पे निशान, ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे ये लगभग ये यहाँ से 1/2 इंच का इधर से निशान लगा के और यहाँ से एक लीव कट करनी है। ये लीव कट करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये पत्ती वाला जो शेप रहेगा उधर से अपना ये आँख वाला हिस्सा रहेगा। अब यहाँ से हम एक कट इधर से सीधा लगाएंगे और इसके बाद में ये जो मैंने निशान लगाया इस निशान निशान पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये निशान निशान पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में आगे हमें ये इस जगह से यहाँ से हमें ये 4.5 पे निशान लगाना है, ये 4.5 इंच पे निशान लगाना है। और उसके बाद में एक निशान हम इधर से ये बिल्कुल सीधा लगाएंगे। अब ये जो हमने सीधा निशान लगाया इस पे हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम इसीलिए लगा रहे हैं दोस्तों यहाँ से नीचे की साइड से ये फिटिंग हो जाएगा, यहाँ से कपड़ा जब अपनी यहाँ से सिलाई लग जाएगी तो ये इधर से ये फिट हो जाएगा कपड़ा। और उसके बाद में ऊपर की साइड में यहाँ से हमें ये लगभग 4 इंच पे ये इस जगह यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। जो 4 इंच पे निशान लगाया हुआ है इस 4 इंच पे जो निशान लगाया इस पे हम ये इस जगह कट लगा देंगे, तो यहाँ पे जो 4 कपड़े हैं चारों कपड़ों पे ये कट लग जाएगा। तो ये कट हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम 1/2 इंच की इस जगह से ये प्लेट्स देंगे, ये प्लेट भी हम इसीलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ से हमें फिटिंग देनी है। तो ये इधर से जब प्लेट डाल देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा ये हिस्सा भी। अब उसके बाद में यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं ऐसे। अब ये जो ऊपर की साइड से जो ओरेब वाला हिस्सा है इस ओरेब वाले हिस्से को कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ओरेब हिस्सा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ नीचे की साइड में से जो मैंने निशान वाला हिस्सा बताया था आपको उसको भी सीधा कट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मार्जिन बाद में भी कट करना है, तो इसलिए हम इसको पहले से ही कट कर लेते हैं मार्जिन को। तो मैंने इस जगह से इस कपड़े को कट कर लिया है। अब इसके बाद में इसको हम इधर से सीधा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे इसको मशीन पे लेके चलना है
और इधर से ये पट्टियाँ जोड़ के, इस जगह से ये पट्टी जुड़ जाएगी, और उसके बाद में ये ऊपर की साइड में भी लगानी है, और उसके अलावा इधर से भी फोल्डिंग करनी है। और इधर मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड में वेलक्रो लगाने के लिए ये 2 इंच लंबाई में ये वेलक्रो कट कर लिया है, ये अपने पास वेलक्रो है। तो जब हम इसमें इसको पहनेंगे तो ये इस जगह से बैक साइड से जब ये वेलक्रो लग जाएगा तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच की लेंथ में ये वेलक्रो कट कर लिया है। तो इधर दोस्तों मैंने ये जो कटिंग करी थी ये इधर मैं लेके आ गया हूँ इस कपड़े को, और ये इस जगह से ये जो पट्टी मैंने कट करी हुई है 1.5 इंच चौड़ाई में, इस पट्टी को यहाँ पे जोड़ लगा के इसको लंबी कर लेते हैं पट्टी को। अब इस पट्टी को मैंने यहाँ पे जोड़ लगा के इस पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में ये जो हिस्सा है इसमें हम यहाँ से इसको 1 फुट का मार्जिन दबा के इधर से ये सिलाई ऐसे घुमा के और यहाँ से घुमा के इधर वापस एंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम कट लगाएंगे जहाँ जहाँ पे गोलाई है, और ये जो वी कट है ये इधर से कोना बन रहा है तो यहाँ से भी कट लगाएंगे और इधर से भी कट लगाएंगे सिलाई के पास तक। मैंने चारों तरफ ये सिलाई लगा दी है, और उसके अलावा यहाँ पे गोलाई गोलाई में ये इस जगह कट भी लगा दिया है। अब इसके बाद में इस हिस्से को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, ये इधर से ये जो डबल कपड़ा है इसमें से एक ऊपर वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को यहाँ से पकड़ के और अंदर की तरफ डाल देंगे, पूरा कपड़ा अंदर की तरफ निकाल देंगे उधर से। अब इसको ऐसे पलटी लगा के ये सारा कपड़ा इधर से वापस बाहर की तरफ खींच लेंगे। अब इसके बाद में ये इधर से ये यहाँ पे कपड़ा है इसको यहाँ से अंदर की तरफ डाल देते हैं वापस, ये यहाँ पे ऐसे कोना बनेगा, और इसी तरीके से इधर की साइड से भी जो कपड़ा है इसको भी बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे आँख वाला जो शेप है वो रेडी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें चारों तरफ किनार पे सिलाई लगानी है। इस किनार पे सिलाई लगाते वक्त इसको हम यहाँ से एक स्टिच इधर से भी लगा देंगे, इस हिस्से को वापस से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे फाइनली मैंने ये किनार वाली सिलाई लगा के इस हिस्से को साइड में कर लिया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे ये इधर से यहाँ से इस हिस्से को यहाँ पे फोल्ड करना है और इसके अंदर ये एक सिलाई लगानी है, और उसी तरीके से इस हिस्से को बाहर की तरफ फोल्ड करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और उधर से एक सिलाई लगानी है। अब ये मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है ये इधर से, और इसमें इधर से ये एक सिलाई इधर से लग गई है। अब यहाँ पे ये हिस्सा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। एक सिलाई हम बाद में यहाँ पे भी एक लगाएंगे ऐसे, लेकिन सबसे पहले हम इधर से जो हमने ये कट लगा रखे हैं इस जगह, ये जो हमने कट लगा रखे हैं इन हिस्सों में यहाँ पे प्लेट्स भी डालनी है, तो इसके लिए इस जगह से इसको ऐसे रखेंगे और ये हिस्सा है इधर से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे अब हमें इधर से ये एक सिलाई यहाँ पे ये जो बार वाला हिस्सा है इसमें ये एक सिलाई ऐसे लगानी है यहाँ पे चारों तरफ, तो ये हिस्से को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये हिस्सा है जिस जगह मैंने कट लगा रखे हैं उन कट वाले हिस्सों को यहाँ पे पकड़ के और ये 1/2 इंच की इस जगह से ये प्लेट्स डाल देंगे, और यहाँ से हम धागे को पक्का भी कर देंगे ताकि ये यहाँ से सिलाई खुले नहीं, और ये जो बीच में हमने सिलाई लगाई थी वो दोनों हिस्से इस जगह मिल गए हैं। इस सिलाई को आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे भी धागे को पक्का कर लेंगे एक बार, और उसी तरीके से जैसे हमने उधर प्लेट्स डाली थी उसी तरीके से इधर भी प्लेट्स डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में इधर से ये जो हिस्सा है इधर से इसको पकड़ के और यहाँ से जो सारा मार्जिन है इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमने जो ये प्लेट्स डाली है ये यहाँ से इस जगह से ये फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये इस जगह से इसको कपड़े को इधर से ये कोना निकाल के और एक स्टिच यहाँ पे लगानी है, यहाँ से लगभग 1 इंच का गैप देखें, ये इधर से 1 इंच का गैप देखें और यहाँ से एक सीधी स्टिच लगानी है, ये यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है। अब ये जो मैंने निशान लगाया ये हिस्सा इधर की साइड ही रहेगा, ये अंदर की साइड ही रहेगा ये जो मार्जिन है, और अब केवल हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में फोल्डिंग पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये जो पट्टी रेडी कट करके रखी हुई है इस पट्टी को हम यहाँ से और यहाँ से लगभग 1/2 इंच बाहर निकाल के रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक फोल्डिंग वापस अंदर की साइड भी होगी। अब यहाँ से ये पट्टी इस जगह रख के और इस जगह से 1/2 इंच का मार्जिन दबा के और आगे तक सिलाई लगानी है हमें। दोस्तों इधर मैंने ये पट्टी लगा दी है और इधर से भी 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसको हम कट कर लेंगे।
अब यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से बार की तरह पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद में एक फोल्डिंग इधर से ऐसे करेंगे और एक फोल्डिंग यहाँ से ऐसे और एक फोल्डिंग इधर से ऐसे करेंगे। अब ये जितना भी सारा जो मार्जिन था, सारा मार्जिन अंदर की तरफ दब जाएगा और यहाँ से ये एक किनार वाली सिलाई लगा देंगे। जो पट्टी रहेगी अपनी, ये पट्टी अपनी बढ़ती हुई रहेगी। और यहाँ से दोस्तों जो औरेब हिस्सा था, ये औरेब हिस्सा यहाँ पे जो मैंने ये पट्टी लगाई थी, इस पट्टी से ये औरेब हिस्सा अब खिंचेगा नहीं। पहले अगर हम इसमें ये पट्टी नहीं लगाते तो ये जो औरेब हिस्सा है ये यहाँ से खिंच जाता, इसीलिए हमने ये यहाँ पे ये पट्टी लगाई है। और अब जैसे हमने उधर की साइड से ये मुंह फोल्ड करा था, उसी तरीके से इधर से इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपना ये मास्क रेडी है। अब केवल हमें यहाँ पे इसके अंदर वेलक्रो लगाना है। तो वेलक्रो लगाने के लिए इधर से हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको पीछे से बंद करेंगे तो ये इस तरीके से बंद होएगा। तो यहाँ पे हमें एक हिस्सा तो हमें इस जगह लगाना है। तो ये जो सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हम हमेशा इसी जगह लगाते हैं अंदर की साइड में, और जो ये हार्ड वाला जो हिस्सा है ये हमें इस जगह बाहर की तरफ लगाना होता है। ताकि दोस्तों ये जो अगर हार्ड वाला अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो वैसे अगर ये इस जगह आता तो अंदर की साइड से ये जो हार्ड वाला हिस्सा है तो ये सिर में चुभने लग जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये सॉफ्ट वाला हिस्सा लगाते हैं ताकि ये सिर में चुभे नहीं। जैसे हमने इसको ऐसे रखा हुआ है उसी तरीके से हम इसमें चारों तरफ स्टिच लगा के और इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये इस जगह से ये मार्क्स बना के कंप्लीट कर लिया है। और ये इस जगह यहाँ पे ये वेलक्रो भी लगाई हुई है मैंने, ये इस जगह वेलक्रो भी लगी हुई है। तो अब इसको इस तरीके से यहाँ से ये ऐसे पहन लेंगे इसका, और ये पीछे की साइड में ये यहाँ पे ये वेलक्रो लगा हुआ है, इसको इस तरीके से लॉक कर लेंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस मास्क को पहन लिया है। और यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा मास्क। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको नहीं पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक नहीं करें, लेकिन अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर और भी प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि मैंने ये हुडी पहनी हुई है। ये हुडी मैंने 150 में एक ब्लैंकेट लिया था, उसी से मैंने ये यहाँ पर हुडी बनाई है। इस हुडी की कटिंग और स्टिचिंग का मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं और उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल पर नए हो तो आप प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।